हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे बोट हेडफोन्स हैं तो उसका हम कैसे पेयर कर सकते हैं अपने टेक्नो फोन की सेटिंग्स पर जाकर ब्लूटूथ ऑप्शन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस प्रकार से हो रहे हैं। तो जैसे हम इसको स्वाइप करते हैं तो जो हमारे ऑल आइकन्स हैं इसमें ओपन हो जाते हैं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन आ जाता है सेटिंग्स आइकन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो हमारी फ़ोन की सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में इस प्रकार ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मोर कनेक्शन ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ब्लूटूथ ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं हमारे पास ब्लूटूथ ऑप्शन जो ऑन है। तो इसमें से हम अपने स्पीकर्स को, ऐसे ये बटन दे रखा है हमारा स्पीकर्स का, इसको ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो चुके हैं तो इसके नेटवर्क हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएंगे। देख सकते हैं इसमें डिवाइस नेटवर्क हमारे फ़ोन में सर्च हो रहे हैं, तो हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास नेटवर्क आ चुके हैं जो बोट हेडफोन्स के हैं, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो उसके नेटवर्क हैं हमारे फ़ोन में पेयर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पेयर हो रहे हैं, ये थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हमें पेयर पे क्लिक कर देना है। पेयर पे क्लिक करते जो हमारे बोट हेडफोन्स के नेटवर्क है हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे। देख सकते हैं इसमें एक्टिव लिखा हुआ है, 100% बैटरी इसमें शो हो रही है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम जैसे म्यूज़िक वगैरह सुनने में या फिर कॉलिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर हम अपने टेक्नो फ़ोन में बोट हेडफोन्स को पेयर कर सकते हैं और उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।